आज जाति और धर्म की राजनीति को खत्म करके काम की राजनीति की शुरुआत करने वाले नेता, जिन्होंने दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को वर्ल्ड क्लास बनाया, हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक को वर्ल्ड क्लास बनाया, 24 घंटे फ्री बिजली पानी दी, शहीदों को सम्मान में 1 करोड़ रुपए राशि दी, फ्री बस यात्रा सारे देश की महिलाओं के दी, फ्री तीर्थ यात्रा सारे बुजुर्गों को दी, और उसके बाद भी 8,200 करोड़ रुपए सालाना मुनाफा कमा के सरकार के खजाने के अंदर जमा करा एक ऐसे नेतृत्व जिन्होंने देश की सारी सरकारों में सबसे पहले ये बता दिया कि घाटे का बजट ठीक नहीं है, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और हो सकता है अगर ईमानदार नेता सरकार चलाएंगे, अगर ईमानदार मंत्री सरकार चलाएंगे, इस देश को बहुत विकसित किया जा सकता है। आज इनकी इस पॉलिसी से केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार घबरा गई कि पूरे देश के अंदर इन सुविधाओं को मांगने की आवाज उठने लगी। जो आवाज दिल्ली से चली, पंजाब में गई, गुजरात में गई, गोवा के अंदर गई, अब पूरे देश के अंदर तो उन्होंने सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी को किया, संजय सिंह जी को किया और अब अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस दे रहे हैं। इतनी घबराई हुई सरकार आज तक हमने कहीं देखी नहीं, जितनी घबराई हुई सरकार आज नरेंद्र मोदी की सरकार है और वो भी आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से, जो इनकी धर्म की और जाति की राजनीति को बदलाने के लिए एक ऐसा संकल्प किया जिन्होंने कि हिंदुस्तान को विकसित करना है, हिंदुस्तान को शिक्षित करना है। एक झूठे केस के अंदर 1.5 साल पहले जिस केस के नीम रखी, 1,500 जगह से ऊपर रेड करी, कई हजार अफसर इसके अंदर इन्वॉल्व हुए, आज तक 1 रुपए की कमी उसके अंदर नहीं निकाल पाए, 1 रुपया ढूंढ नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मुकदमा आपका बेकार है, जब सेशन के पास जाएगा तो 2 तारीखों से ऊपर चलना मुश्किल है। ऐसे नेतृत्व को, हरियाणा के लाल को, अरविंद केजरीवाल को, अब हरियाणा की जनता भी चाहती है कि जैसे आपने दिल्ली को बदला है, जैसे आप पंजाब को बदल रहे हैं, अब हरियाणा को भी बदलें, हरियाणा के अंदर भी भय और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को कायम करें ताकि हरियाणा भी आगे बढ़े। हरियाणा का व्यापारी आज परेशान है, उद्योग लगाना चाहता है परंतु सरकार सुरक्षा दे नहीं पा रही, क्या करे। हरियाणा का किसान, 750 से ऊपर किसानों ने शहादत दी और ये हरियाणा सरकार आज तक एक शोक प्रस्ताव पारित नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री ने खुद ये वायदा किया था कि MSP दूंगा, आज तक एक शब्द उस विषय के अंदर संसद के अंदर नहीं बोल पाए कि MSP का कानून बनाए। हरियाणा का मजदूर परेशान है, आज मनरेगा के मजदूर पूरे हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं कि क्या करें क्या ना करें। सरकारी कर्मचारी हरियाणा का, माने अरविंद केजरीवाल जी से मैं बताना चाहता हूं, हर वर्ग का सरकारी कर्मचारी परेशान है, हमेशा हड़ताल करता है और ये सरकार तानाशाही रवैये से उनके हड़ताल को खत्म कराने का काम करती है। हरियाणा के अंदर सबसे बेरोजगार ज्यादा युवा है, हरियाणा बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 बन गया है और महिलाओं के प्रति अपराध हर रोज हरियाणा के अंदर बढ़ता जा रहा है। अभी जींद के एक स्कूल का किस्सा सामने आया, आज तक उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। छोटी सरकार, छोटी सरकार चाहे वो पंचायत के अंदर सरपंच के रूप के अंदर हो, उनके अधिकारों को छीन लिया और टुहाना के अंदर हरियाणा के सारे सरपंच बैठे हुए हैं कि इस केंद्र बीजेपी की सरकार ने क्यों ऐसा किया। पहले तो सरपंचों के चुनाव, गांव सभा के चुनाव 1 साल लेट कराए और उसके बाद उनके अधिकारों को छीन लिया। इसी प्रकार कई सालों से
कॉरपोरेशन के चुनाव को लटकाते आ रहे हैं, चाहे वह फरीदाबाद का निगम हो, चाहे वह गुड़गावा का निगम हो, हार के डर से ये चुनाव नहीं करा रहे और अधिकारियों के माध्यम से उस प्रशासन को चला रहे हैं जिसपे करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार का आरोप इनके ऊपर लगता है। मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी से बताना चाहूंगा कि छात्र संघ के चुनाव भी हरियाणा के अंदर कई साल से नहीं कराए जा रहे, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि यहां पे मजबूती के साथ छात्र संघ आगे बढ़े। महंगी बिजली है, 24 घंटे बिजली मिलती नहीं, पावर कट है, हर घर के अंदर पीने का पानी नल नहीं मिलता, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। उसके बाद भी 50,000 करोड़ रुपए सालाना का घाटा है, 3,00,000 करोड़ रुपए का इस हरियाणा सरकार ने कर्ज बना दिया। हरियाणा की जनता चाहती है कि इस सरकार बदले, काम की सरकार आए, अरविंद केजरीवाल की सरकार आए और इनसे हिसाब लिया जाए कि हरियाणा का पैसा कहां गया, हरियाणा का पैसा कहां गया, हरियाणा के ऊपर इतना कर्ज कैसे हुआ, हरियाणा का 50,000 पे सालाना घाटे का बजट क्यों बना। हरियाणा के लोग चाहते हैं अब हरियाणा से जाति की और धर्म की राजनीति खत्म हो, हरियाणा के अंदर अरविंद केजरीवाल की, हरियाणा के लाल की काम की राजनीति हो। इस काम की राजनीति के लिए आगाज करने के लिए, उस काम की राजनीति की शुरुआत करने के लिए आज हरियाणा का हर एक गांव से हमारे ग्राम सचिव आए हैं, हर एक वार्ड से वार्ड के प्रधान आए हैं, हमारे सारे ये पदाधिकारी मिलकर जो 1.5 लाख का संगठन हमारा बन चुका है, ये पदाधिकारी आपके निर्देश की पालना करने के लिए आतुर हैं ताकि हरियाणा के अंदर एक परिवर्तन हो और हरियाणा में काम की सरकार बने। जय हिंद, जय भारत।